जो है 500-1000 के नोटों से जूझ रहा है, तो इसी पर हमने एक स्टोरी बनाई है 500-1000 के नोटों पर कि वो किस तरह से आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। तिवारी क्योंकि बिजनेसमैन है, उसको क्या हो रहा है, और भभूति क्योंकि नल्ला है, वो काम धाम कुछ करता नहीं है, तो वो कैसे सुखी है। अचानक जो गरीब आदमी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड है, वो अलग बात है कि उसको बेचारे को एटीएम वगैरह में खड़ा होना पड़ रहा है, वो चलता है कुछ, लेकिन जो वाकई जिसने गद्दों के नीचे पैसे रखे हुए थे वो एकदम से परेशान हो गया है। तो ये स्टोरी बेसिकली इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरी वीक नहीं दिखाई जाएगी, बस 2-3 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगी। नहीं, हमको प्रॉब्लम बस यही हो रहा है कि अभी हमारी जेब में पहले पैसे होते थे, अब पैसे नहीं है क्योंकि हमारे पास शूटिंग कर रहे हैं, टाइम भी नहीं है बैंक वगैरह जाने का। तो कभी छुट्टी होगी तो बैंक चले जाएंगे और निकाल लेंगे अपने बैंक से पैसे, क्योंकि नहीं बल्कि अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये बंद हो गया नोट, बहुत अच्छा हुआ, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे ब्लैक मनी जो है वो कंट्रोल में आएगा और नई करेंसी आएगी, बहुत सारी जो है जो फेक करेंसी घुस गई थी वो सब ख़त्म होगी, हमारी इकोनॉमी जो और डेवलप करेगी, हमारे टैक्सेस कम होंगे, चीज़ें सस्ती होंगी, प्रॉपर्टी के दाम सस्ते होंगे, आम आदमी को आगे आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा है। होने देखो, कोई भी क्योस होता है, बड़े बड़े देश बहुत सारे क्योस हुए हैं, बहुत सारे रिवोल्यूशंस हुए हैं, बहुत सारे इमरजेंसी भी लगी थी देश में, ऐसे क्योस होते हैं, उसमें क्या है, एक सदी के बाद ऐसे क्योस आते हैं, क्योस होता है उसमें परेशानी होती है हर आदमी, ऐसे टाइम में थोड़ा सा बैलेंस दिमाग बना के आगे का सोच के चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन उसको बताइए जो चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ जैसी लग रही है, उसको कोई कैसे मना करेगा, है ना। अब देखो गरीब बेचारा कितना गरीब है, और अमीर इतने अमीर है कि अपने पैसे अंदर घुसेड़ के बैठे, निकालते ही नहीं बाहर, बताइए। और गरीब बेचारा कितना गरीब है बताइए, उसके पास बेचारे के इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है आज की डेट में बेचारा, और इनके पास अब कैसे निकल रहे हैं इतने इतने पैसे।